कब आएगी पापा लाइट? आपने तो बोला था 2 बजे आ जाएगी। सिल्ली सिल्ली सौंधी ये हवा, बोलो ना पापा। और नींद आ रही थी फिर मैं सोचा उठ जाती हूँ, इतना भी आलस क्या काम। और सो लेती पापा। कैसी लग रही चिंकी छोटी मणि? कैसी कर रही थी? हाय शोभा। सब धोखेबाज हो गए, सब धोखे, मम्मी धोखेबाज, पापा धोखेबाज, किसी ने मैं इतना अच्छे से तैयार। अरे वाह, ताजू फिर से दिखाओ। अरे वाह ताजू, दूर से यार चीजें समझाओ, ये मेरे परफ्यूम सही है। मैं बहुत ब्लॉक में यार परफ्यूम है। और लाइट नहीं है हमारे। दीदी कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, बहुत। मैं दीदी को बोली उठे नहीं, दीदी बोलती है तब सुबह नहीं आती, मेरी गुड मॉर्निंग नहीं होती। हाँ मैं तब से लेटी हुई कि सुबह आएगी तब उठूंगी मैं। उठा दिया ना मैंने? वो एकदम उठा दिया, एकदम खुल गई, एकदम खुल गई। कितनी ब्लश कर रही हूँ यार। अब अपन दोनों फिर से चाय पियेंगे साथ में। मैं भी यही सोची थी आज, पता है मेरे को ना ठंडी चाय पीनी पड़ी थी, मेरा सर दुख रहा था ना। हाँ। तो मैं बैठी थी, फिर मैंने सोचा नहीं यार मैं वहाँ जाती हूँ। अपन दोनों मम्मा के हाथ की चाय पियेंगे अब, अदरक है ना, उनके उनके बिना है ना ऐसे गुड मॉर्निंग नहीं होती ना। अपन दोनों पियेंगे अब। बिल्कुल अपन दोनों। ओके उठी, मेरे को तो और नींद आ रही थी, फिर मैंने सोचा उठ जाती हूँ, इतना भी आलस क्या काम। ना वो अभी चाइना वाली मैं ही लगूंगी नीतू दीदी के बाद। तबियत खराब है आज, फीवर आ गया है नजर के कारण। अभी ठीक हूँ, दवाई खाई अभी ठीक है। सारा बाम लगाया, दवाई खाई तो अच्छा लग रहा था, जो ठंडा ठंडा फील हो रहा था दर्द। और अभी फिर से सुंदर बन के जाएगी तो फिर से नजर लगेगी। अभी तो मैंने डिसाइड किया दीदी कि मैं यहाँ से सुंदर बन के नहीं जाऊंगी, घर जाके रेडी होती हूँ। हाँ। रास्ते भर देखते हैं लोग, फिर वहां से हम लोग कार से जाएंगे। ठीक है ऐसा करेंगे। ऐसा कर तैयार होके जा, मुंह बांध के पूरा चश्मा दिखे गई। बीच में सेक्शन चल रहा है, धूल इतनी हो गई ना आपको, यहाँ पर वन लाइन कर दी ना यहाँ से पूरा। हाँ। ये नहर अभी थोड़ी देर पहले मुझे देख के पहचान नहीं पाते, सब टेंशन में आ गए थे। अरे ये वाली नहर अपना जो नहर से एक लाइन हो गई, वहाँ से एक लाइन कर दी ना खुद में चालू था। आगे से कल अपन कैसे आए थे ना इतनी धूल में, कल तो दीदी और मैं पहचान भी नहीं आते, हम लोग सारे ये मुंह नहीं बांध के आते, आप पहचान नहीं पाते। मतलब आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आएगी, बैटरी बनाने वाली है। कब आएगी पापा लाइट? आपने तो बोला था 2 बजे आ जाएगी। सिल्ली सिल्ली सौंधी ये हवा, बोलो ना पापा। अरे यार ये भाई साहब आपका लुक दिखाएंगे, इधर से नहीं पूरा दिखाएंगे। ये भाई साहब पूरे किट में हम जा रहे हैं, गो टू ससुराल, ससुराल गो टू ससुराल माता पूजन में। और ये कौन सा लुक है जिसमें नीचे चप्पल है, सॉक्स है एंड ऊपर चश्मा है? मतलब लोग शादी के बाद सुधर जाते हैं लेकिन हम और पगले हो गए हैं। आपको पगली भी मिली है? पगली मिली ना। अब हम आपको देख, ओह लाइट आ गई, माय गॉड लाइट आ गई। तो हम देखेंगे अब हमारी दुल्हनिया को किधर। ओ माय गॉड, लाल परी, वाओ। इतनी इतनी पार्शियलिटी नहीं करते ऐसे, मेरे को भी देना था ना रिएक्शन एक बार। वाओ उड़िया उड़िया उड़िया, मैं रेडी हूँ, मेरा लुक देख सकते हैं, सेट भी दीदी की पसंद का बना हुआ है। कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है यार, ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, बहुत सुंदर लग रही है। रेड कलर बहुत अच्छा, नहीं कुछ कमी नहीं है, थैंक यू, एकदम सुंदर सी। बिंदी भी मैचिंग की है ना? हाँ मैचिंग है, मैचिंग, ये इनकी पसंद की बिंदी लगी मैंने, बहुत सुंदर लग रही है। बड़ी बिंदी लगाना, सब परफेक्ट है। नेल पेंट लगाई? वो भूल गई बस। नेल पेंट लगाओ, पहले नेल पेंट लगाओ फटाक से, बहुत सुंदर लग रही है।
कोई कमी नहीं, सिंपल तैयार नहीं हो सकती, इन्हें नहीं बोला था सिंपल तैयार होना, नहीं वो सिंपल में बहुत सुंदर लगती थी इसलिए। और थोड़ा बहुत तुम भी ठीक ठाक लग रहे हो, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत लग जाते हो ठीक ठाक। और इनका अलग चल रहा है, मैं तो 55 लग रही है, और जो बोले सोनिया ससरिया का कैसे, जो बोले सोनिया ससरिया का इनकी नेल पेंट लगाऊंगी मैं रेड। यस मैं से नहीं बोला करो कि तैयार होकर बैठे आओ। चिनू तूने वो वाला कुर्ता क्यों नहीं पहना, बिल्कुल मैचिंग हो जाता इससे, बिल्कुल डिक्टो मैचिंग हो जाता। उनको लग रहे थे अपनी माता पूजन के कुर्ते में, संगीत में भी बहुत अच्छा, माता की चौकी अला भी नहीं पहन सकता ना, तो फिर वो सब समझ समझेंगे फिर से आ गया माता पूजन करने, अभी ठीक लग रहा है। हाँ अभी ठीक, मम्मी कैसी लग रही हूँ, अच्छी, क्या रिएक्शन है अभी तो घर वालों की रिएक्शन रिकॉर्ड करना आप है ना, मैं जैसी छोटी छोटी बिटिया को देखने के बाद मैं मम्मी का रिएक्शन, मम्मी रिएक्शन दो एकदम से देखने वाला रिएक्शन दो लगा के लिया है। मम्मी वाली नीचे स्टाइल है, कैसे करी थी कैसे करी थी, हाय शोभा फिटिंग बढ़िया, देखो मम्मी पूरा मैच कर रहा, पता इस कलर का भी था इस, मैंने कहा लेकिन वो थोड़ा डल लग रहा था, मैंने कहा ये ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, है ना मम्मी, ये अच्छा है। पापा आ गए, पापा आ गए, मम्मी मेरा नजर अच्छा कवच पिला दोगी, पापा कैसी लग रही चिंकी, छोटी मड़ी छोटी वाली चिंकी कैसी लग रही, तो मस्त मस्त लग रही ना, सब धोखेबाज हो गए मेरी सब, सब धोखे मम्मी धोखेबाज पापा धोखेबाज किसी ने, मैं इतना अच्छा नहीं बोला, अरे रे मेरा हीरो पापा, तुम क्या यार पापा गाड़ी ना ले चलना है, देखो पापा कैसे ढीला हो जाता है इसलिए उतार देते हैं, हाँ देखा अब कितना अच्छा लग रहा है, कितना मैचिंग मैचिंग, क्यों उतारा था तू, क्यों उतारा था, अरे वाह अरे वाह, फिर से दिखाओ, अरे वाह दूर से दिखाओ दूर से, तो मैं भी अपना सड़ा सा लुक दिखा देती हूँ, मैं मैंने क्या छुपाने रहा, कुछ ऐसी दिख रही हूँ क्योंकि मैं अभी हेयर वॉश करके आई हूँ, अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो ब्लॉग में पूरे ब्लॉग में दिखी नहीं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपने आपको भी दिखा देती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा अपने आपको भी दिखा दिया, लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई, ब्लॉग हाईलाइट भैया भाभी का हुआ झगड़ा, गोल्डन घड़ी पहनो गोल्डन सिल्वर मैच नहीं कर रही है, मामी लगा ली पर मामा को लगा लेने, मामी तो अपना सामान पसंद है, ये हम हो गए रेडी यार, जल्दी से मेरे को वो देना दाढ़ी, बड़ी वाली शीशी लेके आना माजे, पता नहीं मेरे को जाते हैं अभी मेकअप मेरा रह ही जाता है, ए सुन तो मम्मी ये ले लेना, नहीं तो इसमें दब जाएगा तो फिर आप ढूंढती रह जाओगी, बस चल रही हूँ, दो मिनट गुस्सा मत करना प्लीज, पति और देव, पति और देव, बाय बाय टाटा टाटा, आप ये जूस लेके आएंगे लीची वाला, ओके किस्सी भाभी की किस्सी, अब आज बहुत खाली खाली सा लगेगा, सोना सोना सा लगेगा क्योंकि दोनों गए हैं, अभी लीव ली हुई है ना दोनों ने, अभी घूम के आएंगे ना, घूमने जाने वाले हैं, जब वहां से आ जाएंगे तब अपने अपने काम से लग जाएंगे, फिर मेरा भी काम और ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसा कि अभी बुटीक भी है और बहुत जल्दी आपके साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो मेरा जो काम है वो दुगना होने वाला है, हो गया अभी जितना रेस्ट कर पा रही हूँ उतना ही कर पा रही हूँ, फिर एक बार में जो इकट्ठा काम पे लगूंगी फिर तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि शादी के काम से अभी फ्री हुए हैं,
तो 2-4 दिन का रेस्ट अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर मेरी हेल्थ पर असर करता है, फिर मैं महीने भर के लिए पड़ जाऊँगा, इससे बेहतर है कि अभी मैं रेस्ट कर लूँ। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको फैमिली व्लॉग्स देखना अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही हंसी खुशी के साथ में।